नमस्कार दोस्तों, आपने हजारों बार पिस्टल, रिवाल्वर, माउजर और कट्टे जैसे हथियारों का नाम जरूर सुना होगा। शायद आपने करीब से देखा भी होगा। ट्रिगर दबाकर निशाने पर सटीक वार करने वाले इन चारों हथियारों के बीच आखिर क्या बुनियादी फर्क होता है? क्या आपको इसके बारे में सटीक जानकारी है? हो सकता है कि आपको मालूम हो, लेकिन हम में से बहुत से लोगों को नहीं मालूम है। कुछ लोग तो इन हथियारों के सिर्फ नाम भर जानते हैं। आइए दोस्तों, आपको बताते हैं पिस्टल, रिवाल्वर, माउजर और कट्टे में क्या अंतर होता है, इनमें से कौन सी कितनी घातक होती है या कितना रेंज होता है। आइए दोस्तों, इन सब के बारे में समझते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बताते हैं पिस्टल के बारे में। छोटे हथियारों के 4 साल पुराने सर्वे की अगर बात करें तो दुनिया में 85.7 करोड़ से भी ज्यादा हैंडगन यानी रिवाल्वर, पिस्टल, माउजर लोगों के पास मौजूद है। पिस्टल एक हैंडगन है, लेकिन मूल रूप से यह 2 प्रकार की होती है, एक फुल्ली ऑटोमेटिक और दूसरी सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल। दोनों ही तरह की पिस्टल में गोलियां मैगजीन के जरिए भरी जाती है। मैगजीन के ऊपर हैमर और स्प्रिंग होता है जो हर बार फायर के बाद मैगजीन से दूसरी गोली को ऊपर पहुंचा देता है। मैगजीन की सुविधा से गोलियों को पिस्टल में लोड करने में समय वेस्ट नहीं होता है। पिस्टल की ग्रिप के अंदर गोलियों का एक चैम्बर मौजूद होता है, इसमें अधिकतम 20 गोलियां तक भरी जा सकती है। दोस्तों, पिस्टल का अधिकतम बैरल 10 इंच तक छोटा होता है। इसका उपयोग सैनिक बल, पुलिस, आतंकी, विद्रोही गुट, नक्सली और अपराधी करते हैं। इसकी रेंज 50 से 100 मीटर के आसपास होती है। दोस्तों, हाथ में रखी जाने वाली छोटी बंदूक मशीन गन की तरह बड़ी नहीं होती है। दोनों में गोलियां लगाने और फायर करने से लेकर ऑटोमेटिक होने आदि का फर्क होता है। पिस्टल 3 तरह की होती है, जिसमें ऑटोमेटिक, सिंगल शॉट, मल्टी चेम्बर शामिल है। इनमें से सिंगल शॉट पिस्टल चलन से बाहर हो चुकी है, दूसरा ऑटोमेटिक और तीसरा मशीन पिस्टल है। दोस्तों, अगर बात मशीन पिस्टल की करें तो इसकी मैगजीन बहुत बड़ी होती है। यह पिस्टल लगभग छोटी मशीन गन जैसी दिखती है। दूसरी होती है मल्टी बैरल पिस्टल यानी नलियों वाली पिस्टल, इसका उपयोग भी बंद हो चुका है। रिवाल्वर, दोस्तों रिवाल्वर लंबी बैरल वाली एक हैंडगन है, इसमें सिर्फ 6 गोलियां भरी जाती है। एक गोलियां एक गोलाकार सिलेंडर यानी चक्री में भरी जाती है। जब गोली चलती है, सिलेंडर घूम करके अपनी गोलियों को सीधे बैरल यानी रिवाल्वर के नली के सामने लाती है। इसके पीछे की तरफ स्प्रिंग से टाइट बंधी हुई हैमर होती है। जब रिवाल्वर की नली यानी बैरल चैम्बर के गोल खाचे में पड़ी गोली उसके पीछे हैमर के बिल्कुल सामने होती है, तब ट्रिगर जैसे ही खींचता है हैमर भी खींचने लगती है, लेकिन एक लिमिट तक आने के बाद ट्रिगर तो पीछे ही जाता है, लेकिन इसके बाद स्प्रिंग से जुड़ी हैमर छूट जाती है और चैम्बर के खांचे में पड़ी कारतूस के बीचों बीच बने प्राइम पर हीट करती है। प्राइमर विस्फोट के साथ फटता है, इससे गोली के अंदर मौजूद बारूद में आग लगती है। अब यह बात तो सबको पता है कि आग, हवा, पानी को फैलने के लिए जगह चाहिए होती है, क्योंकि बैरल यानी रिवाल्वर की नली 3 तरफ से बंद होती है और 1 तरफ खुली होती है। जिस तरफ खुली होती है उसी तरफ आग और विस्फोट का दबाव गोली को बहुत तेजी से उसकी तरफ निकालता है। आपने कभी ध्यान दिया हो तो रिवाल्वर, पिस्टल और ज्यादातर असॉल्ट राइफल की बैरल्स के अंदर घुमावदार धारियां बनी होती है। ये धारियां आग के दबाव से गोलियों को जोर से एक तरफ की दिशा में घुमाना शुरू कर देता है। ज्यादा लंबी बैरल यानी गोली का ज्यादा घुमाव, ज्यादा गति और ज्यादा रेंज हो जाती है। इसलिए आप देखेंगे कि रिवाल्वर, पिस्टल की रेंज अमूमन 50 से 100 मीटर की होती है। माउजर, दोस्तों माउजर C96 पिस्टल मूल रूप से जर्मनी में बनी एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल है। यह कंपनी बोल्ट एक्शन राइफल तथा सेमी ऑटोमेटिक हैंडगन्स बनाती है। बीच में यह कुछ दिनों के लिए बंद हो गई थी। इसके हथियार हाई क्वालिटी के होते हैं। यह कंपनी 1870 से लेकर हैंडगन्स और राइफल्स बना रही है। इस कंपनी की 1896 में आई 9mm की C96 लूगर हैंडगन काफी प्रसिद्ध हुई थी। 1940 में आई माउजर HSC सेल्फ लोडिंग हैंडगन भी काफी बिकी हुई थी। इसने सिर्फ हैंडगन या राइफल ही नहीं बनाए बल्कि तोप भी बनाया, राइफल, स्नाइपर भी बनाए। माउजर का डिजाइन जर्मनी के 2 माउजर बंधुओं ने 1895 में तैयार किया था। माउजर पिस्तौल की मारक क्षमता 150 से 200 मीटर तक होती है। अगर इसके बट में कुंदा लगा दिया जाए तो यह 1000 मीटर यानी करीब 1 किलोमीटर तक मार कर सकती है। माउजर के चैम्बर में 6, 10 और 20 गोलियों की क्षमता वाली छोटी या बड़ी कोई भी मैगजीन फिट हो जाती है। माउजर पिस्टल में 7.63x25mm के कारतूसों का इस्तेमाल किया जाता है।
माउजर के मैगजीन का उपयोग उसके ऊपर से होता है। यही चीज इसको एकदम खास बनाती है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के अलावा जर्मनी तानाशाह हिटलर की पसंदीदा पिस्टल माउजर C-96 थी। 9 अगस्त 1925 को रामप्रसाद बिस्मिल ने सिर्फ 4 माउजर पिस्तौलों के दम पर काकोरी के पास ट्रेन रोककर अंग्रेजों का सरकारी खजाना लूट लिया था। कट्टा, भारत के कई राज्यों में इसे कट्टा तमंचा आदि के नाम से जाना जाता है। यह भी एक देसी हैंडगन होती है, लेकिन इसकी विश्वसनीयता न के बराबर होती है। फायरिंग के दौरान इसकी नली कभी कभी फट भी जाती है और लोगों को घायल भी कर देती है। यह देसी हैंडगन यानी कट्टा एक अवैध हथियार है। कानूनी तौर पर अवैध तरीके से लुक छुपाकर तैयार किए जाने वाले इन हथियारों का बड़े पैमाने पर अवैध कारोबार होता है। ये सिंगल शॉट गन की तरह काम करती है। इसमें एक बार में एक ही गोली भरी और चलाई जा सकती है। कट्टे के बैरल यानी नली के अनुसार ही गोलियां भी निर्धारित की जाती है। इस गन से दूर का निशाना टारगेट करना संभव नहीं है। इसकी रेंज काफी कम यानी बेहद नजदीक की होती है। टारगेट पर हिट करने के लिए काफी पास जाकर यानी सटाकर निशाना लगाना पड़ता है। आप देखेंगे कि रिवाल्वर पिस्टल की रेंज अमूमन 50 से 100 मीटर तक होती है। असॉल्ट राइफल की 100 से 400 मीटर तक और स्नाइपर राइफल की 2 से 3 किलोमीटर तक होती है। इन सब में पिस्टल सबसे घातक और भरोसेमंद हथियार मानी जाती है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप पिस्टल, रिवाल्वर, माउजर और कट्टे जैसे हथियारों के बारे में अंतर समझ चुके होंगे। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।